डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हर दिन यूपीएससी का एक प्रीलिम्स का पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। ये पीवाईक्यू हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि हम ये समझें कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से था, बनाया क्यों गया था और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और इसको लॉजिकली कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, मुझे नहीं पता है आपने ये स्कीम पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे लॉजिक समझाना चाहता हूँ जो मैंने कल भी एक कल वाले एमसीक्यू में भी समझाया था, दैट इज दिस एंड का लॉजिक। यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है, ये दो स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट नंबर टू, दोनों को जोड़ देता है आपस में, और या तो स्टेटमेंट नंबर वन में कहीं ना कहीं पे एक वर्ड को चेंज कर देगा या तो स्टेटमेंट नंबर टू में एक वर्ड को चेंज कर देगा। ठीक है, उस वर्ड के चेंज करने की वजह से ये पूरे का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, अब होता यह है कि आपको ये पैटर्न समझना है। आप जितने भी एमसीक्यूज देखोगे 2024 के, आपको ये पैटर्न कम से कम 8 से 10 एमसीक्यूज में मिलेगा, सेम पैटर्न। ठीक है, एंड लगाने की वजह से पहला या दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने गलत कर दिया एंड लगाने के बाद, और फिर वो पूरे का पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। जैसे इस स्टेटमेंट में भी उन्होंने ये वाला वर्ड जो है चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, स्कीम के अंदर एंटीनेटल केयर मिलता है वुमेन को सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जब वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद और डिलीवरी होने के बाद उनको फैसिलिटीज इस स्कीम के अंदर नहीं बल्कि दूसरी किसी स्कीम में मिल जाती है। उन्होंने एंड जोड़ने के बाद किसी और स्कीम का एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद ये भी लिखा कि पोस्ट डिलीवरी जो है 6 मंथ्स तक उनको हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है, जबकि वो अलग स्कीम है। ठीक है, क्लियर। ये दोनों, ये जो स्कीम है ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को इंक्रीज करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, ताकि सारी डिलीवरीज जो है हॉस्पिटल्स के अंदर हो। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट लॉजिकली ठीक हो जाता है, क्यों? अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर, पॉसिबिलिटी है या पॉसिबिलिटी क्या, हम इनको बोल सकते हैं कि आप कर लीजिए वॉलंटियर, इनको प्रोत्साहन दे सकते हैं कि आप डॉक्टर्स हैं, आपका काम है लोगों की जान बचाना, आप आ जाइए, थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ पे भी कर दीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हम वैसे भी बता सकते हैं, अगर स्कीम के अंदर लिखा गया तब तो और बड़ी बात है, तब तो और अच्छी बात है। तो जितनी भी अच्छी बातें होती है वो स्कीम्स के अंदर लॉजिकली हो ही जाती है, वो सच होती है, वो ट्रू होती है, ये स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड पीवाईक्यूज, और यही लॉजिक आपको यूपीएससी में डेवलप करना है। जब ये लॉजिक आप डेवलप करेंगे तब आपके लिए इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को आंसर करना। ठीक है, ये क्वेश्चन बना कैसे था आपको समझा देते हैं। देखो, ये स्कीम असल में बहुत पुरानी स्कीम है। देखो, 2016 में एक आर्टिकल आया है, उसमें भी यही चीज डिस्कस की गई है। 2022 में एक और आर्टिकल आया था हिंदू न्यूज में, ये पीआईबी में सेम चीज डिस्कस की गई थी। 2022 में जुलाई में फिर से एक और एडिटोरियल आया पीआईबी में, फिर वही चीज डिस्कस की गई। बट क्या ये सब चीजों की वजह से ये पीवाईक्यू बना या ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2024 में पूछा? इतना सारा 2022, 2016, इतनी सारी न्यूज तो कवर नहीं करेगा यूपीएससी। बल्कि हमारी जो प्रेसिडेंट है मिस मुर्मू, उन्होंने 31 जनवरी 2024 को द हिंदू न्यूज़पेपर में और मीडिया में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बोला था कि इंडिया में अभी 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंदर। ये 31 जनवरी 2024 की न्यूज़ है, और इसी न्यूज़ से प्रभावित 16 जून 2024 को जो प्रीलिम्स हुआ उसमें ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब समझ में आ गया क्वेश्चंस बनते कैसे और हिंदू न्यूज़पेपर को करना क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, ये इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है। आप ये समझिए कि 9th हर महीने के 9वें दिन पे इस स्कीम के अंदर एक किट मिलता है हर उस प्रेग्नेंट औरत को जो उस रीजन में रहती हो और रजिस्टर्ड हो। ये किट इसलिए मिलता है ताकि वो अपना एंटीनेटल केयर और एंटीनेटल सर्विसेज ठीक से अंजाम दे पाए। बस अगर उस महीने की 9वीं तारीख कोई हॉलिडे हो गई तो जो उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन मिल जाएगा। ठीक है, इस स्कीम के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पोस्ट डेटल डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी के बाद 6 महीने तक का केयर दिया जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा यहाँ पे एग्जामिनर ने ऐड किया हुआ था स्टेटमेंट में।